नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले पंजाब किंग्स के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे कि उनके जो खिलाड़ी हैं आईपीएल 2022 में वो कौन कौन से खिलाड़ी होने वाले हैं रिटेन, और खास करके दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं उनके विदेशी खिलाड़ियों पर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट रहेगी उनमें से कौन से दो फेवरेट विदेशी खिलाड़ी रहेंगे जिन्हें पंजाब किंग्स की टीम जो है जरूर रिटेन करना चाहेगी। तो अब दोस्तों कौन कौन से रहेंगे वो खिलाड़ी हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। देखते हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़े फैन हैं आप पंजाब किंग्स के, राहुल के सपोर्ट करते हैं, इस टीम को जिताना चाहते हैं आईपीएल का खिताब, तो दोस्तों बेझिझक जो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको रोजाना और हमेशा अपडेट मिलती रहे आपकी सबसे फेवरेट टीम पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई और आईपीएल 21 की सारी खबरों से जुड़ी हुई। और हाँ दोस्तों, आप भी जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना कमेंट जो है इस वीडियो के माध्यम से बनाते रहिए। और आप भी जो है अपनी तरफ से 5 रिटेन खिलाड़ियों के जो नाम है वो कमेंट करके बताते रहिए। तो अब दोस्तों अगर बात करें तो आईपीएल 22 को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा है, और जैसे कि आईपीएल 21 है उसके बचे हुए मैच पोस्टपोन्ड हो गए हैं। अभी वो मैच होगा कि नहीं होगा उसके लिए कोई भी क्लियरिटी बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई है। तो अब दोस्तों अगर इसको लेकर हम बात करें तो आईपीएल 2022 में जो नई टीमें आने वाली हैं उनके जो टेंडर हैं वो जुलाई के महीने में फ्लोट होने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ जो है निकल के सामने आई है बीसीसीआई की तरफ से। यानी कि जुलाई के बाद जो है बीसीसीआई ध्यान देना चाहेगी कि जो दो नई टीमें आने वाली हैं वो कौन कौन सी रहेंगी, और ऐसे में आईपीएल 22 में हमें एक मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। तो पंजाब किंग्स जो तैयारियां हैं इसके लिए जोर शोर से शुरू हो जाएंगी, और अगर हम बात करें तो उनकी जो प्लानिंग है किसी भी तरीके से रेडी रखना चाहेगी आईपीएल 21 के ऑक्शन के पहले। तो अगर दोस्तों बात करें पंजाब किंग्स के, तो किसी भी तरीके से 5 खिलाड़ी जो है रिटेन करना चाहेगी, जो कि आईपीएल के रूल के हिसाब से बताया जा रहा है कि आप जो है 3 खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे और 2 खिलाड़ी को जो है आरटीएम के तहत आप अपने स्क्वाड में ज्वाइन करवा सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर आपके टीम में 5 खिलाड़ी रहेंगे, बाकी के खिलाड़ी जो है ऑक्शन में ट्रेड होंगे और आप चाहे तो वहां से उनको खरीद सकते हैं। तो अब दोस्तों अगर इसी को लेकर हम बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं कप्तान के राहुल, जिन्होंने अगर बात कर लगातार 3 सीज़न जो है पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है रन बनाए हैं और आईपीएल में हाईएस्ट रन गेटर के नाम से जाने जाते हैं। उनकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई जिसके चलते उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच को मिस किया और पंजाब किंग्स जो है उस मैच को हार भी गई थी, और उसके बाद जो है राहुल हमें आईपीएल में दिखाई नहीं दिए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल रिज्यूम होता है तो राहुल का परफॉर्मेंस हमें किस तरीके से दिखाई देता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें दूसरे नंबर पर तो उनके साथ आएंगे उनके दोस्त, और बात करें ओपनिंग जोड़ी के लिए अच्छे दावेदारी साबित कर रहे हैं इस समय मयंक अग्रवाल और के राहुल की जो ओपनिंग जोड़ी है काफ़ी हिट है पंजाब किंग्स के लिए। लेकिन फिर भी जो है उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि पंजाब किंग्स को जो है केएल राहुल के साथ क्रिस गेल को ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस गेल के पोटेंशियल्स का आपको यूटिलाइज करना है तो उनको जो है ओपनिंग पे जरूर लाना चाहिए, ना कि उनको 3 नंबर पे खिलाया जाए। और हमने देखा है क्रिस गेल को कि 3 नंबर पे वो कभी कभी जो है हिट होते हैं और बहुत ही बार जो है वो फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं। और दोस्तों अगर क्रिस गेल 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं तो उनको जो अच्छा खासा दबाव देखने को मिलता है जब पहले ही विकेट गिर जाती है। तो अब दोस्तों इसी को लेकर बात करें तो ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से पंजाब किंग्स के स्क्वाड में पूरी तरीके से जमे रहने वाले हैं। अब बात करें तीसरे खिलाड़ी के रूप में तो मोहम्मद शमी, जो कि पंजाब किंग्स के लिए बहुत ही साल से जो है गेंदबाजी करते आ रहे हैं, पंजाब किंग्स की फ्रेंचाइजी ने इन पर काफ़ी ज़्यादा जो है भरोसा जताया है, और ऐसे में दोस्तों हम देखें तो ये भी जो है रिटेन की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है मोहम्मद शमी के बारे में, क्या पंजाब किंग्स की टीम इनमें जो है इस सीज़न में जो है भरोसा दिखाए, इनको रिटेन करे या ना करे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन ग्रुप में आपको मिलने वाले हरप्रीत ब्रार, जो कि एक ऑलराउंडर है, इनकी गेंदबाजी हमने देखी थी किस तरीके से इन्होंने आरसीबी के खिलाफ 3 बड़ी विकेट निकाले थे, ग्लेन मैक्सवेल, एवी डिविलियर्स, तो कप्तान विराट कोहली की, जहां इन्होंने जो मैच है पूरी तरीके से पलट दिया और इनकी बल्लेबाजी भी जो है पंजाब किंग्स के लिए काफ़ी अच्छी साबित हुई थी। तो अब दोस्तों आपका क्या कहना इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन अगर दोस्तों देखिए एक्सपीरियंस और तेज़ गति की गेंदबाजी जो पंजाब किंग्स की टीम को सूट करती है तो मोहम्मद शमी जो है ज़रूर यहाँ पर रिटेन हो जाएंगे। तो अब दोस्तों ये तो हो गए 3 इंडियन खिलाड़ी, बात करें तो 2 विदेशी खिलाड़ी कौन से रहेंगे जो पंजाब किंग्स की टीम जो है रिटेन करना चाहेगी, तो ऐसे में जो उनके नाम है वो बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करूँ जो ऑप्शन अवेलेबल है पंजाब किंग्स के पास विदेशी खिलाड़ी के रूप में वो है क्रिस गेल, निकोलस पुरन, डेविड बनन, ये तो 3 बल्लेबाज हो गए। वहीं अगर बात करो तो फेबियन एलन, मॉइसेस एनरिकेस, और अगर हम देखें तो इनके पास भी अवेलेबल हैं क्रिस जॉर्डन, जो कि 3 ऑलराउंडर के रूप में आते हैं, चाहे रिचर्डसन और रायली मेडी, यानी कि 8 विदेशी खिलाड़ी इनके पास इस समय बने हुए हैं। लेकिन इनको जो है 2 विदेशी खिलाड़ियों को चूज़ करना है जो कि इनके साथ जो है रिटेन की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो अब दोस्तों अगर बात करें पंजाब किंग्स के लिए, जो सीज़न रहा उनका पूरी तरीके से फीका फीका नज़र आया, क्योंकि उनके कोई भी विदेशी खिलाड़ी जो है स्टार परफॉर्मर बन के नहीं आए किसी भी मैच में।
जी हाँ दोस्तों, क्रिस गेल ने जो है एक मैच में अच्छी पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए। वहीं अगर हम देखें फॉर्म में चल रहे निकोलस पुरन की, तो इस सीजन जो है पूरी तरीके से वो फॉर्म में नहीं रहे। डेविड वलन ने एक मैच खेला जहाँ पर उन्होंने जो है 100 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वहीं अगर बात करें क्रिस जॉर्डन की, तो उन्होंने एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और दूसरे मैच में एक अच्छी गेंदबाजी की। अब दोस्तों उसी के साथ अगर बात करें मॉइज़ेस एनरिकेस की, तो उनकी ना बल्लेबाजी चली ना ही गेंदबाजी चली। हालांकि उनकी जो गेंदबाजी रही वो इकोनॉमिकल रही और पंजाब किंग्स के लिए एक दो विकेट्स भी लिए, लेकिन अगर बात करें तो वो इम्पैक्ट नहीं बना पाए। वहीं दोस्तों अगर बात करें सबसे महंगे खिलाड़ी जाय रिचर्डसन, जो कि पंजाब किंग्स के लिए पूरी तरीके से फ्लॉप होते हुए नजर आए, और अगर हम बात करें तो उन्हें वापस मौके नहीं मिले। रायली मिड ने जरूर वापसी की, लेकिन पंजाब किंग्स के लिए वो इम्पैक्ट बनाकर नहीं दिखा पाए। तो अब दोस्तों अगर बात करें लास्ट बचे हुए खिलाड़ी फेबियन एलन की, तो उनको भी जो है मौके मिले, लेकिन अपनी गेंदबाजी से वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और बल्लेबाजी भी अच्छी तरीके से करके नहीं दिखाई। तो अब दोस्तों अगर बात करें पंजाब की जो दो विदेशी खिलाड़ी कौन कौन से रिटेन कर सकती है, तो जो नाम है वो बताया जा रहा है, पहला क्रिस गेल का। क्रिस गेल जो कि यूनिवर्स बॉस के नाम से जाने जाते हैं, T20 में इनका जो कैरियर है वो काफ़ी अच्छा रहा है, और ऐसे में क्रिस गेल को पंजाब किंग्स की टीम जो किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहेगी। और जिस तरीके से इन्हें 2 करोड़ के बेस प्राइस पर खरीदा गया था, पंजाब किंग्स के लिए किसी भी तरीके से कॉस्टली प्लेयर साबित नहीं होते। हालांकि प्लेइंग 11 में इनको खिलाया जाता है, लेकिन ये कंसिस्टेंसी पे सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन अगर बात करें तो पंजाब किंग्स जो है इनमें फिर से भरोसा जताएगी। तो आपका क्या कहना है क्रिस गेल के बारे में, क्या पंजाब किंग्स की टीम इन्हें रिटेन करे या ना करे, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर बात करें दूसरे खिलाड़ी के रूप में, तो पंजाब किंग्स की टीम देखना चाहेगी विकेट कीपर बल्लेबाज निकोलस पुरन को। जी हाँ दोस्तों, इनकी प्रतिभा की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इन पर प्रतिभा है, और जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं पूरा जो मैच है पलट के रख देते हैं। हालांकि अगर बात करें इस सीज़न में, तो इनकी बल्लेबाजी जो है काफ़ी फीकी पड़ी थी, जहां भी उन्होंने जो 4 बार 0 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों अगर बात करें निकोलस पुरन की जो बल्लेबाजी क्रम थी उसको भी जो है बदला गया, यानी कि 4 और 5 नंबर पर इन्हें जो है लगातार खिलाया गया और इनको एक पोजिशन किसी भी तरीके से फिक्स नहीं दिया गया। तो वहाँ भी जो है बैट्समैन का माइंडसेट एक पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो अब देखना दिलचस्प रहेगा क्या निकोलस पुरन को पंजाब किंग्स की टीम रिटेन करती है कि नहीं करती है आईपीएल 2022 के लिए, या फिर डेविड मिलर को जो है पंजाब किंग्स की टीम रिटेन कर सकती है, लेकिन डेविड मिलर जो उतने विस्फोटक बल्लेबाज साबित नहीं होते हैं अगर वो सेट हो जाए उसके बाद भी। तो अब दोस्तों आपका क्या कहना है पंजाब किंग्स इन खिलाड़ियों के बारे में, क्या ये 5 खिलाड़ी जो है रिटेन के काबिल हैं या नहीं है, आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन से खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स की टीम जो है ऑक्शन में वापस से बाई कर सकती है अपने टीम के लिए, ये भी आप में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।